अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने जिस्म की बनावट में सर, धड़, हाथ और पाँव के बारे में मालूमात हासिल की। आज हम जिस्म की हरकत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे हाथ, पाँव और कमर, ये किन जगहों से मुड़ते हैं और इनके मुड़ने से हमें काम करने में किस तरह से आसानी होती है, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हाथ से। कंधा, कोहनी और कलाई, इन मकामात पर हाथ मुड़ता है। हाथ की उंगलियां भी मुड़ती है, इसलिए मुट्ठी खुलती और बंद होती है। हाथों से हम लिखने का काम करते हैं। अपनी उंगलियों की मदद से वीडियो गेम का मज़ा लेते हैं। नीचे गिरी हुई चीज़ें उठाकर रखते हैं। अम्मी हाथों से मज़ेदार लड्डू तैयार करती है। बच्चे अपने खिलौनों से खेलकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है, इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत से काम आसान हो जाते हैं, जैसे नीचे गिरी हुई चीज़ें उठाना और बैठकर अपने जूतों के फीते बांधना और मुख्तलिफ खेल खेलने में हमें आसानी होती है। कमर, घुटना और टखना, इन मकामात पर पैर मुड़ता है। पैर की उंगलियां भी मुड़ सकती है, लेकिन हाथों की उंगलियों जितना नहीं मुड़ती। पैरों से भी हम काम करते हैं, इसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते भागते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, छलांगे लगाते हैं और बहुत सारे खेलों में हिस्सा लेते हैं।